Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bhatia College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of B.Tech Agriculture Third Year. देखिए last class में हम लोगों ने देखा था user defined function के बारे में कि user defined functions कैसे work करते हैं. Functions के बारे में हमने पढ़ा था. Functions क्या work करता है हमारा, कि same lines of जो हमारे code रहते हैं, same lines of code में, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एक same lines of code है जिसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही प्रोग्राम में बार बार आप सेम लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं, तो हम उसकी जगह क्या करते थे कि एक फंक्शन बनाते थे. उस फंक्शन में हम क्या करते थे, उस कोड को लिख देते थे, और जब भी हमें उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट रहती थी तो हम क्या करते थे, सिंपली कि उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते थे, तो उसके अंदर की जो कोड्स रहती थी वो कॉल हो जाती थी. ये हमारा फंक्शंस में काम था. फंक्शंस हमारे दो टाइप के थे, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन थे जो कि हमारे बिल्ट इन थे सिस्टम में, और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन थे जो कि यूजर क्रिएट कर रहा था प्रोग्रामिंग के टाइम पे. ठीक है, प्रोग्रामिंग के टाइम पे यूजर हमें क्रिएट कर रहा था. तो अब यदि हम बात करें कि हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्कस किया था उसके बारे में आप देख सकते हैं कि उसमें चार टाइप थे. नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, एंड आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू. तो ये चार टाइप्स उसके थे यूजर डिफाइंड फंक्शन के, जिसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अब हम आज पढ़ेंगे फंक्शन कॉल इन सी, कि सी में फंक्शन कॉल क्या होता है, हम कैसे फंक्शन कॉल करते हैं, और इसके बाद फिर हम रिकर्शन टॉपिक जो है हमारा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फंक्शन कॉल की यदि हम बात करें, तो फंक्शन कॉल हमारा क्या होता है कि फंक्शन को हम जब भी कॉल करते हैं, तो हम फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो उसे हम नाम से कॉल करते हैं. ठीक है, जब भी हम कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके नाम से उसे कॉल करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका भी कुछ नाम होगा जिससे कि हम आपको आपके घर में बुलाते होंगे, कॉलेजेस में या वर्किंग प्लेसेस में आपको आपके नाम से बुलाया जाता होगा, वैसे ही जो हमारे फंक्शंस हैं वो फंक्शंस हमारे क्या है, उन्हें उनके नाम से बुलाया जाता है. वी ऑल नो दैट वेल इट इफ द फंक्शन डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट देन टू कॉल अ फंक्शन यू डायरेक्टली यूज इट नेम. जैसे कि मान लीजिए कि फंक्शन का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. ठीक है, फंक्शन डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, माने कि फंक्शन के पास यदि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, फंक्शन के पास यदि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो उसमें क्या होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, देन हम क्या कॉल कर सकते हैं, उसे डायरेक्टली उसके नाम से कॉल कर सकते हैं. ठीक है, बट फॉर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, यदि फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट रहते हैं, वी कॉल अ फंक्शन इन टू डिफरेंट वेज. जैसे फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, उस केस में हम डायरेक्टली उसे उसके नाम से कॉल कर सकते हैं. बट यदि फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट है, तो हम उसे दो डिफरेंट वे में कॉल कर सकते हैं. एक हमारा कॉल बाय वैल्यू होता है और दूसरा हमारा कॉल बाय रेफरेंस होता है. ठीक है, यदि फंक्शन के पास आर्ग्यूमेंट है तब हम फंक्शन को दो डिफरेंट वेज में कॉल करते हैं. फर्स्ट हमारा कॉल बाय वैल्यू एंड सेकेंड हमारा कॉल बाय रेफरेंस है. ठीक है, अब इन दो टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये दो टाइप्स कैसे हमारे वर्क करते हैं. ठीक है, दिस टू वेज आर जनरली डिफ्रेंशिएटेड बाय द टाइप ऑफ वैल्यूज पास टू देम एज पैरामीटर्स. ये जो दो हमारे वेज रहते हैं ये जनरली डिफ्रेंशिएट होते हैं, जैसे कि हम जो भी वैल्यू पास करते हैं वो पैरामीटर में. ठीक है, द पैरामीटर्स पास टू द फंक्शन आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स. जब फंक्शन में पैरामीटर पास होता है तो हम उसे एक्चुअल पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं. वेयर एज पैरामीटर्स रिसीव बाय द फंक्शन,
जब फंक्शन में पैरामीटर पास होता है तब हम उसे एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, अब जब फंक्शन में पैरामीटर रिसीव होता है तब हम उसे फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, एक्चुअल और फॉर्मल. जब हम पास करते हैं पैरामीटर को फंक्शन में तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं. अब जब हम फंक्शन को फंक्शन जब रिसीव कर लेता है पैरामीटर तब वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं. ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की. कॉल बाय वैल्यू की यदि हम बात करें इन दिस पैरामीटर पासिंग मेथड, इन दिस पैरामीटर पासिंग मेथड वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की. कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, इन दिस पैरामीटर पासिंग मेथड वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड टू अ फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर. ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्चुअल जो पैरामीटर रहता है वो कॉपी हो जाता है फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर में. एंड दिस टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरीज लोकेशन. और ये जो दो टाइप्स के फॉर्मल दो टाइप्स के जो पैरामीटर्स रहते हैं वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में. सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर ऑफ द कॉलर. तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी मेथड को पास किया, ठीक है, आपने कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ पैरामीटर पास किया तो उनकी जो वैल्यू रहती है एक्चुअल पैरामीटर में वो कॉपी हो जाती है फॉर्मल पैरामीटर में. ठीक है, तो वो जो फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स के जो पैरामीटर्स रहते हैं वो स्टोर होते हैं डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में. सो एनी चेंजेस मेड इनसाइड फंक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्टेड. मानी कि दो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में आपके जो पैरामीटर्स रहते हैं वो सेव रहते हैं तो यहाँ पे कोई भी जो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होता. यदि हम कोई चेंजेस करते भी है फंक्शन में तो वो एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है. ठीक है, अब हम कॉल बाय वैल्यू का एक प्रोग्राम देखिए. ठीक है, कॉल बाय वैल्यू का हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हैश इंक्लूड एसटीडीआईओ डॉट एच लिया हुआ है. उसके बाद हम फंक्शन के प्रोटोटाइप में स्वैप स्वैपिंग का फंक्शन कर रहे हैं. स्वैप का फंक्शन करना माने जैसे x और y में वैल्यू है तो x के वैल्यू को y में और y के वैल्यू को x में हमें ट्रांसफर करना है. ये हमारा होता है स्वैपिंग स्वैप का फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए एक फंक्शन कॉल किया हुआ है void swap x in y. यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है. उसके बाद यहाँ हमारा मेन फंक्शन है int main int a equal to 10 and b equal to 20. अब देखिए हम जब वैल्यू पास कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्वैप x में क्या हो रहा है, a और b को हम स्वैप कर दे रहे हैं. उसके बाद जो है हम वैल्यू प्रिंट करा दे रहे हैं a और b की. ठीक है, a और b की हम वैल्यू प्रिंट करा दे रहे हैं. अब देखिए कि void swap x जो हमने यहाँ पे ये void swap x लिया था इसके अंदर हमारे क्या कोडिंग्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो void swap x में आप देखिए int x int y है. हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ले रहे हैं int t. अब t इक्वल टू x सेव कर रहे हैं, x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू t. मैंने यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, जो x की वैल्यू थी उससे पहले आप t में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, फिर y की वैल्यू को आप x में स्टोर कर रहे हैं. अब y में क्या स्टोर कर रहे हैं, t. तो अल्टीमेटली क्या हो गया, y में किसकी वैल्यू आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई, x में आपकी y की वैल्यू स्टोर हो गई. उसके बाद हम प्रिंट करा दे रहे हैं x और y की वैल्यू को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि आपकी वैल्यू जो है वो स्वैप हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट में देखिए x इक्वल टू 20 है और y इक्वल टू 10 है. ठीक है, x इक्वल टू आपका 20 है और y आपका 10 है. तो अब आप देखिए कि a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20 हो गया. हमारी क्या हो गई, वैल्यू चेंज हो गई. जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे x और y की वैल्यू हम चेंज करा रहे थे तो हमारी यहाँ पे x और y की वैल्यू चेंज हो गई. ठीक है, x में 20 था, y में 10 था. जब वैल्यू स्वैप हो गया आपस में तो a की वैल्यू 10 एंड b की वैल्यू आपकी 20 हो गई. तो ये आपका था कॉल बाय वैल्यू. अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की.
कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, बोथ द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स रिफर्स टू द सेम लोकेशन. ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जो हमारे एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स रहते हैं वो सेम लोकेशन में रहते हैं, तो जो भी हमारे फंक्शंस में जो भी चेंजेस होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो देखिए कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा था, कॉल बाय वैल्यू में जो जो आपके पैरामीटर्स थे वो दो अलग अलग जगह स्टोर हो रहे थे, इसलिए एक में चेंज करने से दूसरे में चेंज नहीं हो रहा था. बट यहाँ पे क्या है कि आपके दोनों जो एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, दोनों पैरामीटर्स एक ही लोकेशन में स्टोर है, इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करेंगे वो दोनों ही पैरामीटर में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं. एक हम प्रोग्राम की यदि बात करें तो आप पहले आप प्रोग्राम देखिए, सी प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट कॉल बाय रेफरेंस. हमने कॉल बाय वैल्यू देखा था, अब हम कॉल बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं. इसमें भी हम सेम फंक्शन ले रहे हैं स्वैप, जैसे कि हमने कॉल बाय वैल्यू में स्वैप कराया था वैसे ही हम स्वैपिंग करा रहे हैं. ठीक है, इंट इंट को हम स्वैप करा रहे हैं. यहाँ पे आप मेन फंक्शन देखिए, इंट ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20 हमने सेव किया हुआ है. ठीक है, इंट मेन में हमने इंट ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20 सेव किया हुआ है. देन यदि हम रेफरेंस से पास कर रहे हैं, ठीक है, हम रेफरेंस से माने कि उसके एड्रेस से वैल्यू पास कर रहे हैं. रेफरेंस से पास करना मतलब एड्रेस से वैल्यू पास करना. कॉल बाय वैल्यू में हम सीधा वैल्यू पास कर रहे थे, बट कॉल बाय रेफरेंस से हम उसके एड्रेस से वैल्यू चेंज करवा रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे स्वैप करा रहे हैं एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, उसके बाद जो है हम वैल्यू प्रिंट करा दे रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे आपका इंट मेन यूज हुआ है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आपका रिटर्न यूज होगा. अब देखिए कि हमने जो यहाँ पे void swap int लिया हुआ था, इसके अंदर हमारे क्या फंक्शन है. यहाँ पे आप देखिए कि int t लिया हुआ है. अब ये जो asterisk है ये हमारा pointer होता है, इसके बारे में हम आगे discuss करेंगे. बट जो ये हमारा asterisk रहता है ये क्या रहता है हमारा, ये एड्रेस को पॉइंट करता है. ठीक है, मीन्स जो भी वैल्यू चेंज होगी वो इसके एड्रेस में चेंज होगी. ठीक है, ये हमारे एड्रेस को ही पॉइंट करता है. पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को पॉइंट करता है. तो जो ये हमारा साइन है ये हमारा एड्रेस का साइन है, यहाँ पे वो एड्रेस को पॉइंट करता है. तो ये जो वैल्यू चेंज होगी वो एड्रेस में स्टोर होगी. ठीक है, तो आप देखिए कि टी में जो है हमारा एक्स का वैल्यू स्टोर हो रहा है, एक्स में वाई और वाई में टी, वही सेम फंक्शन है कि वैल्यू एक दूसरे में चेंज हो रही है, स्वैप हो रही है. ठीक है, और उसके बाद हम क्या प्रिंट कर दे रहे हैं, x और y की वैल्यू को हम प्रिंट कर दे रहे हैं. तो देखिए पहले आपका x 20 था और y 10 था, जब आपका वैल्यू चेंज हुआ तो a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू आपकी 10 हो गई. ठीक है, तो ये आपका हो गया स्वैपिंग का फंक्शन. अब हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका स्वैपिंग था जिसमें कि आपके दो टाइप से कॉल बाय वैल्यू के और कॉल बाय रेफरेंस के. ठीक है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस आपने भी डिस्कस किया. अब हम देखते हैं इसका एक डिफरेंस बिटवीन. ठीक है, इसके डिफरेंस बिटवीन के बारे में यदि हम बात करें कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में, तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन वी पास वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स टू इट. जब हम कॉल करते हैं वैल्यूज को, फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो जो उसकी वैल्यूज, उसकी जो वेरिएबल्स रहते हैं उसकी वैल्यूज को हम पास कर देते हैं. तो ऐसे फंक्शंस को, उस वेरिएबल की वैल्यूज को हम पास कर देते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं. तो ऐसे फंक्शंस को हम कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं. और कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं कि व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स वी पास द एड्रेस ऑफ वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल की वैल्यूज को कॉल करने के जगह हम वेरिएबल्स के एड्रेस को पास करते हैं. ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यूज को नहीं पास करते, हम वेरिएबल्स के एड्रेस को पास कर देते हैं. टू दी फंक्शन इज नोन एज कॉल बाय रेफरेंस. ठीक है, तो अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का आपको डिफरेंस समझ आ गया. कॉल बाय वैल्यू में हम सीधा वैल्यू पास करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस में हम उसकी लोकेशन को पास करते हैं. In this method, the value of each variable is calling is copied into corresponding dummy variables or of the function. In this method, the address of actual parameters is actual
parameters is the calling function are copied into a dummy variable called location. अब क्या हो रहा था कि dummy variable में वो store हो रहा था, ठीक है, जैसे कि हमारे जो each variable थे वो corresponding way में copy हो रहे थे और हमारे जो values थे वो dummy variables में save हो रहे थे, copy हो रहे थे. अब और यहाँ पे क्या हो रहा था, call by reference में actual variables में ही जो हमारी कॉपी डमी थी वो भी स्टोर हो जा रहे थे एक्चुअल वेरिएबल्स में, ठीक है. अब हम बात करें आगे, तो विद दिस मेथड द चेंजेस मेड टू अ डमी वेरिएबल इन द कॉल्ड फंक्शन हैव नो इफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर. मैंने इसमें कहा था कि हमारे जो वैल्यूज रहती है वो दो जगह स्टोर होती है, एक्चुअल में और फॉर्मल में. तो हमारा जब भी वैल्यू चेंजेस होते हैं तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस नहीं करते. बट इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या था कि हमारे एड्रेस को ही एक्सेस कर रहा था, तो एड्रेस में ही वैल्यूज को वो स्टोर कर दे रहा था एक्चुअल पैरामीटर के. तो यहाँ पे क्या होता है हमारा कि जो हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर है उसके एड्रेस में ही हमारी वैल्यूज स्टोर होती है. तो यहाँ पे जो हमारा स्टोर्ड वैल्यू रहता है वो हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है. अब हम देखते हैं एक्चुअल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिमेन अनचेंज इवन आफ्टर एक्सचेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. जो हमारे एक्चुअल वैल्यूज रहते हैं ए और बी के वो अनचेंज रहते हैं. जब हम एक्स और वाई की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं उसके बाद भी हमारी वैल्यूज जो रहती है वो चेंज नहीं होती. बट एक्चुअल पैरामीटर्स में ए और बी की भी वैल्यू चेंज हो जाती है जब हम एक्स और वाई की वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है. अब हम इसके आगे के टॉपिक्स देखते हैं. इन कॉल बाय वैल्यूज वी कैन नॉट अल्टर द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल वेरिएबल्स टू फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल करके हम क्या है एक्चुअल वेरिएबल्स की वैल्यू को अल्टर नहीं कर सकते, ठीक है. बट कॉल बाय रेफरेंस में हम वैल्यूज को अल्टर कर सकते हैं कॉल करके. फंक्शन कॉल करके हम वैल्यूज को अल्टर कर सकते हैं बट कॉल बाय वैल्यू में हम वैसा नहीं कर सकते. वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आर पासेस बाय सिंपल टेक्निक. जो हमारे वैल्यूज रहते हैं वेरिएबल्स के वो सिंपल टेक्निक से पास हो जाते हैं. एंड पॉइंटर वेरिएबल्स आर नेसेसरी टू डिफाइन टू स्टोर द एड्रेस वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. देखिए जैसे कि हम कॉल बाय वैल्यू में सिर्फ वैल्यू चेंजेस कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा कुछ एरर नहीं आ रहा था. बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या हो रहा था हमारा कि वो हमारे एड्रेस को स्टोर एड्रेस में स्टोर हो रहा था. इसलिए हमें यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है. पॉइंटर वेरिएबल्स यहाँ पे नेसेसरी है जिसके की थ्रू हम क्या कर सकते हैं वैल्यूज को हम पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पॉइंट कर सकते हैं हमारे एक्चुअल वेरिएबल के थ्रू, ठीक है. अब हम बात करते हैं रिकर्शन की. हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकर्शन. रिकर्शन फंक्शन कॉल हमने पढ़ा. इस तरीके से हमारा जो फंक्शन का टॉपिक था वो कवर हो गया जिसमें कि हमने पहले फंक्शन पढ़े फिर फंक्शन की टाइप पढ़ा देन हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया. अब हमने फंक्शन कॉल पढ़ा जिसमें कि दो हमारे कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस टाइप थे फंक्शन कॉल के अंदर. ये पूरे हमारे फंक्शन के टॉपिक थे. अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं जिसका कि हमारा नाम है रिकर्शन, ठीक है. तो रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्शन एक छोटा सा टॉपिक है बट ये इम्पोर्टेंट है तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं. रिकर्शन होता क्या है, द प्रोसेस इन विच अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड रिकर्शन, ठीक है. ऐसा प्रोसेस जहाँ पे फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल कर ले ऐसे प्रोसेस को हम रिकर्शन बोलते हैं. एंड द करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन. और जो हमारे करस्पॉन्डिंग फंक्शंस रहते हैं वो हमारे रिकर्सिव फंक्शंस रहते हैं, ठीक है. यूजिंग रिकर्सिव एल्गोरिदम सर्टेन प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व क्वाइट इजली. रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके हमारे जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो इजली सॉल्व हो जाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ सच प्रॉब्लम जैसे कि टावर ऑफ एनआई इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर स्ट्रीट एवर्जर डीएसएस और ग्राफ ये सारी जो हमारे एग्जाम्पल्स है ये रिकर्शन को कॉल करके रिकर्शन के ऊपर वर्क करके ये इजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है. रिकर्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है
जिसमें जो फंक्शन है वो खुद को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करता है. रिकर्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ इन अ सेल्फ सिमिलर वे. रिकर्शन जो है अपने आप को खुद को कॉल करते हैं सेल्फ सिमिलर वे पे. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ अ प्रोग्राम अलाउ यू टू कॉल फंक्शन इनसाइड द सेम फंक्शन देन इट इज कॉल्ड अ रिकर्शिव कॉल ऑफ द फंक्शन. ठीक है, यदि मान लीजिए रिपीटिंग प्रोसेस रिपीटिंग इटसेल्फ इन अ सेल्फ सिमिलर वे. रिकर्शन क्या है कि एक प्रोसेस को एक सेल्फ सिमिलर वे पे रिपीट करता है, खुद ही अपने प्रोसेस को वो कॉल करता है और वो अपने ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है. ठीक है, तो जो ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहते हैं इसमें जो प्रोग्राम अलाउ करता है कि हम फंक्शंस को कॉल करें सेम फंक्शन के अंदर. ठीक है, सेम फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और ये रिकर्सिव कॉल ऑफ अ फंक्शन कहलाता है. ठीक है, अब हम इसके सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं. इसके सिंटेक्स आप देखिए, वॉइड रिकर्शन करके हम यूज करते हैं और यहाँ पे हम रिकर्शन का जो भी फंक्शन है हम उसको यूज करते हैं और यहाँ पे फंक्शन अपने आप को खुद कॉल कर लेता है. ठीक है, इंट मेन, मेन में हम जो भी हमारा रिकर्शन है वो यूज करते हैं. ठीक है, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट रिकर्शन दैट इज अ फंक्शन कॉल function to call itself, but while using recursion programs need to be careful to define and exit conditions from a function, otherwise it will go to an infinite loop. ये क्या कर रहा था, function के अंदर function अपने आप को खुद से call कर रहा था, तो इस चीज में हम लोग को careful रहने की जरूरत है वरना जो हमारा जो function है वो infinite loop के अंदर फंस जाएगा. Recursive functions are very useful to solve many mathematical problems such as calculating the factorial of a number, generating Fibonacci series. जैसे कि हमें यदि factorial calculate करना है या Fibonacci series calculate करना है, तो ये सारे जो हमारे mathematical problems है ये हमारे recursive functions के through solve हो जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम factorial number की बात करते हैं. दो examples हम यहाँ पे discuss करेंगे, एक हमारा है factorial और दूसरा हमारा है Fibonacci series. तो हम पहले factorial को discuss करते हैं. factorial होता क्या है, जैसे हम जो भी हमारे functions रहते हैं हम उसे क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा functions है, हमारा factorial है 5, तो क्या होता है वो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हमारा होता है factorial. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि पहले हमने हेडर फाइल लिया हुआ है, उसके बाद हमने अंश एंड लॉन्ग इंट लिया हुआ है. ठीक है, अंश एंड लॉन्ग इंट में हमने फैक्टोरियल ऑफ इंट आई लिया हुआ है. इंट आई को हम क्या कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 1 हम ले रहे हैं. ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 तो वो रिटर्न कर देगा 1. अब यहाँ पे आप देखिए रिटर्न आई इंटू फैक्टोरियल आई माइनस 1. अब यहाँ पे आप इंट मेन, हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में आप देखिए कि हम 12 का फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं. 12 का फैक्टोरियल निकालने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाया हुआ है कि हमें क्या होगा 12 माइनस 1, फिर नेक्स्ट में क्या होगा 12 माइनस 1 11 हो गया, तो फिर आई 11 होगा, फिर 11 माइनस 1 10 हो जाएगा. ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक कि आई लेस देन या इक्वल टू 1 नहीं हो जाता. जैसे ही आई 0 हो जाएगा तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल आपका क्या है, 4 7 9 0 0 1 6 0 0, तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टोरियल सीरीज हो गया. ठीक है, अब हम देखते हैं फिबोनाची सीरीज. फिबोनाची सीरीज में कैसे वर्क करता है हमारा ये हम देखते हैं. देखिए फिबोनाची सीरीज क्या है हमारा, हैश इंक्लूड stdio.h हमने लिया हुआ है, देन हमने यहाँ पे फिबोनाची करके एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमने int i है, i इक्वल टू 0, देन हमारा 0 रिटर्न हो जाएगा. ठीक है, और इफ i इक्वल टू 1 देन हमारा 1 रिटर्न हो जाएगा. और यहाँ पे क्या होता है कि रिटर्न फिबोनाची i माइनस 1 प्लस फिबोनाची i माइनस 2, ये आपका हो गया फिबोनाची का फंक्शन. अब यहाँ पे आप देखिए int i, यहाँ पे हम लूप कब तक के चला रहे हैं, 10 तक के हम लूप चला रहे हैं, देन हम रिटर्न कर दे रहे हैं. इसमें क्या होता है कि देखिए जो आपका 0 है, 0 में प्लस 1 होगा तो आपकी वैल्यू क्या आई, 1. ठीक है, अब 1 और 1 को प्लस करेंगे 2. ठीक है, अब देखिए 2 और 1 को प्लस किया 3, 3 प्लस 2 किया तो हमारा 5 हो गया, 5 प्लस 3 किया तो हमारा 8 हो गया, 8 प्लस 13 5
प्लस एट किया तो 13 हो गया, 13 प्लस एट किया तो 20 हो गया, और 21 प्लस 13 किया तो 34 हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, फिबोनाची सीरीज हो गया आपका, जिसमें की फिबोनाची सीरीज का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके हम उसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि हम चीजें प्लस करा रहे थे और ऐसे ही हमारा फिबोनाची सीरीज वर्क कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने क्लास में देखा फंक्शन कॉल्स एंड रिकर्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्कोप एंड विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।